उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन कार्यों में सड़क नाली निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, वेस्ट प्रोसेसिंग जैसे निर्माण कार्य शामिल हैं। इस दौरान सीएम ने स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम में बनाए गए डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जनता को समर्पित किया, जिसका टोल फ्री नंबर 1533 पर महानगर का कोई भी नागरिक सफाई से जुड़ी शिकायत या सुझाव दे सकता है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर शिकायत नोट कर संबंधित अफसर को भेजेगा, साथ ही निस्तारण की भी जानकारी लेकर शिकायतकर्ता को देगा। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था, लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर।